आने वाले 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत वाले होंगे। इसकी भविष्यवाणी पिछले 24 घंटे का युद्ध कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने ऐसी जबरदस्त बमबारी की है कि यूक्रेन के 5 इलाके खंडहर बन गए हैं। युद्ध के मैदान में जगह जगह लाशों का अंबार है। वॉर ग्राउंड यूक्रेनी हथियारों की कब्रगाह बन चुका है। चारों तरफ तबाही का दृश्य है। पुतिन और उनकी सेना का विध्वंस इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन का खेल खत्म होने वाला है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक, पुतिन सेना का महाविस्फोट, यूक्रेनी फोर्स का जवाबी वार, रूसी सेना का विध्वंसक प्रहार। सबसे बड़ा बारूदी तूफान, मिटेगा यूक्रेन का नाम। ये 24 घंटे में हुए वार पलटवार का दहलाने वाला दृश्य है। ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के बाद रूस का विध्वंस है। चौबीस घंटे में युद्ध बहुत ही विनाशक हो चुका है। पुतिन पलटन ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया है। यूक्रेन के शहर रूसी बारूद से जल रहे हैं। सुमी, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और ओडेसा, ये वो चार जगह हैं जहां बहुत ही खतरनाक जंग चल रही है। इन चार जगहों पर रूस यूक्रेनी फौज को तबाह करता जा रहा है। सुमी से लेकर ओडेसा तक रूसी फौज कब्जा जमाना चाहती है। अटैक का लेवल यही ऐलान कर रहा है कि पुतिन की सेना सुमी से ओडेसा तक जल्द ही कब्जा कायम कर लेगी। सबसे पहले ज़ेपोरिज़िया की जंग का सीधा प्रसारण देखें। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ग्रैड से रॉकेट की बरसात कर रही है। यूक्रेन के एमएलआरएस अटैक में रूस की कई पोजीशन तबाह हो गई। यूक्रेन के टैंक भी गरज रहे हैं, रूसी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन रूस इस जंग में भी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के हर काउंटर अटैक को इस तरह फेल करती जा रही है। यूक्रेन के जवान, हथियार, बारूद, टैंक सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि वो ज़ेपोरिज़िया में लगातार बढ़त हासिल करती जा रही है। यही ऐलान नेटो का है।
नेटो जो दावा कर रहे हैं सच उसके उलट है। जब से यूक्रेन का जवाबी हमला शुरू हुआ है तभी से पुतिन का प्रहार तेज हो गया है। रूसी सेना का हमला हर फ्रंट पर विध्वंसक हो गया है। ज़ापोरिज़्या, सूमी, डोनेस्क और ओडेसा में यूक्रेन की भारी तबाही हो रही है। ये डोनेस्क में पुतिन का बारूदी प्रलय है। यहां रूसी सेना ने रात भर तबाही बरसाई। यूक्रेनी पोजीशन पर रॉकेट और KH-101 मिसाइल से भीषण प्रहार हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो भस्म हो गया। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स की कब्र खोद दी। रूस के हमले से डोनेस्क धुआं धुआं हो गया। यहां अब हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन भी रूसी पोजीशन पर अटैक कर रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना पर 30 बार बमबारी की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के हर हमले को नाकाम कर दिया। ज़ापोरिज़्या से लेकर डोनेस्क और ओडेसा तक यूक्रेन के हथियार बर्बाद होते जा रहे हैं। रूसी हमले में जर्मन लेपर्ड और अमेरिकी ब्रैडली जलकर भस्म हो रहे हैं। इस बात का ऐलान पहली बार पुतिन ने किया। ओडेसा में भी रूस के हमले भीषण हो चुके हैं। रूसी सेना ओडेसा को भी कैलिबर क्रूज मिसाइलों से दहला रही है। ओडेसा और सूमी में इसी तरह रात भर मिसाइल स्ट्राइक हुई। सूमी में रूस की मिसाइल से 7 लोगों की जान चली गई। किर्वी री में रशियन स्ट्राइक से 10 लोगों की मौत हो गई। पुतिन पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन को कब्जा करने में जुटे हैं और यही वजह है कि सूमी से लेकर ओडेसा तक विध्वंसक हमले हो रहे हैं। सूमी, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या और ओडेसा में यूक्रेन का बुरा हाल है। यूक्रेन की सेना इन इलाकों में लगातार हारती जा रही है। अभी तो ये ट्रेलर है। पुतिन ने जो संकेत और संदेश दिए हैं उसके मुताबिक असली विनाश अब शुरू होने वाला है। पुतिन के विस्फोट में यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।